आज जानते हैं कि लोगो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जाना है शेप्स पे। शेप्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक मिलेगा सर्कल, डबल सर्कल है ये, ठीक है, डोनट बोलते हैं इसे हम। आप ये ले सकते हो या आप दो अलग अलग सर्कल भी ले सकते हो। तो इसे हम पहले बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें इफेक्ट लगाएंगे, तो इफेक्ट्स के लिए हम इसमें से कलर चुन सकते हैं। अगर इस पर और भी करना है तो यहाँ पर शेप में अलग अलग कलर्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, आप ये लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेड्स भी अलग अलग हैं इसमें, क्या इफेक्ट कहाँ पे हल्का डार्क कलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये भी लगा लेते हैं हल्का सा। नेक्स्ट आते हैं आउटलाइन पे। आउटलाइन के अंदर आपको क्या करना है, अगर इसके आउटलाइन को थोड़ा सा थिक करना है तो हम थिक कर सकते हैं, ये आउटलाइन थिक हो चुकी है, ठीक है। इवन आउटलाइन का आप कलर भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो अभी ये ठीक लग रहा है, ये छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें इसमें लिखना है, सपोज़ करो आपको, ठीक है। तो क्या कर रहा, आप सिंपल जाओ पहले इंसर्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा वर्ड आर्ट करके, इस वर्ड आर्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जो भी डिज़ाइन पसंद हो वो डिज़ाइन ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि कंप्यूटर टिप्स, अब जैसे हमने ये लिख लिया इसके अंदर। अब लिखने के बाद अगर इस पर सेम वही फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे हम, और अब यहाँ से अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हम ये फर्स्ट ले लेते हैं कर्व वाला। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेच आउट करते हैं, तो ये देखो इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेना, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है। जैसे ये प्लस का निशान बनेगा, ध्यान रखना इस तरह का, तब आप इसे ईजिली ऊपर नीचे मूव कर सकते हो और यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें इसके अंदर चाहिए एक छोटी सी फ़ोटो, तो हम इंसर्ट पर जाएंगे। आप पिक्चर्स भी ले सकते हो, हम क्लिप आर्ट में से एक ले लेते हैं, तो क्लिप आर्ट में से मैं एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप कोई भी पिक्चर या क्लिप आर्ट लोगे, आपको पहले उस पर क्लिक करना है, फॉर्मेट पर क्लिक करना है, और टेक्स्ट ट्रैप जो यहाँ लिखा हुआ है इस पर जाके और आपको इन फ्रंट पर क्लिक करना है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यह है कि आप अपने पिक्चर को ना बहुत ही ईजीली कहीं भी मूव कर सकते हो। दो पिक्चर्स को ऊपर नीचे लगाने के लिए ना इसका यूज़ होता है। तो अब हम इसे ईजिली यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसे छोटा कर सकते हैं यहाँ से, और ये इसे हमने सेट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। चलो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है अब, ठीक है। अब नीचे में अगर आपको लिखना है तो नीचे के लिए हम दोबारा जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम दोबारा शेप्स पे जाएंगे, और शेप्स में जाने के बाद हम फिर से जाएंगे, यहाँ पे एक डिज़ाइन ले लेते हैं नीचे लिखने के लिए, और यहाँ पे भी आप आराम से डिज़ाइंस को लेके। तो जैसे अब हमने नीचे भी बना लिया है, ठीक है। अगर इस पर कुछ भी चेंज करना हो तो सिलेक्ट करो, इस पर होम पेज पे जाओ और यहाँ से इसको ईजिली बड़ा छोटा आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन चेंज करना हो तो यहाँ से जाके आप इस पर डिज़ाइंस को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बॉर्डर को भी चेंज कर लेते हैं। बॉर्डर को चेंज कर ले सेम वही फॉर्मेट पे क्लिक करना है और आउटलाइन पे जाना है, और इसके आउटलाइन को हम थोड़ा सा थिक कर लेते हैं पहले, और ये अभी हमारे साथ बॉर्डर हो चुका है। अगर आपको कलर की जगह कुछ और फिल करना है, कोई इमेज लगानी है, कुछ और लगाना है, तो पिक्चर्स या कोई और चीज़ भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पिक्चर्स ऑप्शन पर जाके शेप फिल पे, या हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर्स हैं बहुत सारे, जैसे ये वाला टेक्सचर है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला टेक्सचर लगा देते हैं इसके अंदर। इसमें भी जाना हो तो सेम भाई क्लिक करो, शेप फिल पे जाओ, ठीक है, और टेक्सचर पे चले जाओ, और जो भी टेक्सचर आपको अच्छा लगेगा आप अपने अकॉर्डिंग टेक्सचर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे ये रहा हमारा, ठीक है। थैंक यू।